की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता ब्रह्मचारिणी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के भाग्य विधाता है ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूजा रूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तप है, अर्थात माता को तप का आचरण करने वाली माना जाता है। भक्तों, क्योंकि माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ा ही घोर तप किया था, अतः इनका नाम ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी हुआ। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी महिमा और कथा। पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। है ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। जनों, कहते हैं जब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय और मैना के यहाँ हुआ, तो इनके पिता हिमालय ने मुनि नारद जी के कहने पर विष्णु जी से इनका विवाह करना चाहा, किंतु माता तो सदैव भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। अतः जब इनको पता चला तो इन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मैं भोलेनाथ के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब इनकी सखियाँ गुप्त रूप से इन्हें एक वन में लेकर आई, जहाँ ब्रह्मचारिणी रूप में माता ने हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को मनाया था। तभी ब्रह्मचारिणी कहलाई। भक्तों, इनकी पूजा से ऐसे ही कठिन तपस्या करने की शक्ति मिलती है। आइए भक्तों, जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। शुद्ध पूजा वाला स्थान श्री गणेश का सबसे पहले करना चाहिए ध्यान। माता ब्रह्मचारिणी की फिर तुम मूर्ति वहां सजाना, उसके बाद तो भक्तों अवश्य ही कलश का पूजन करना। पंचामृत से माता को फिर तो स्नान कराए, रोली चंदन रक्षत से फिर नाम स्मरना है। मिश्री खीर या बर्फी का इन्हें भोग लगाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। जनों, माता को श्वेत रंग बड़ा ही भाता है, अतः षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात इन्हें मिश्री, खीर अथवा खोए की बर्फी का भोग लगाया जाता है और कम से कम 108 बार माता के इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अथवा ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इसका जाप भी किया जा सकता है। शाम को फिर यही क्रम दोहराएं। पूजा पाठ के पश्चात कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करना चाहिए। माता की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक एवं दंत कथा दोनों ही सुनाएंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आइए पहले सुनते हैं ये पौराणिक कथा। पूर्व जन्म में इनके पिता थे राजा दक्ष प्रजापति, उनकी ही तो ये पुत्री थी और था नाम सती। दक्ष प्रजापति की थी भक्तों 84 कन्याएं, होने लगी सयानी तो सबका ही विवाह। पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। जनों, अपने पिता दक्ष प्रजापति के न चाहते हुए भी माता सती ने महादेव से विवाह रचाया और कैलाश पर्वत पर आ गई। एक दिन राजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु भोलेनाथ और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। राजा दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में सभी देवताओं को आकाश मार्ग से जाते हुए देखकर माता सती ने जिज्ञासावश भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, आज सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके पिता के यहाँ महायज्ञ का आयोजन है, सभी देवता वहीं जा रहे हैं। इतना सुनकर माता सती भोलेनाथ से कहने लगी, का हमें ना आया है।
उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, बहुत जिद करने पर भोलेनाथ ने अकेले ही माता सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और उनके साथ नंदीश्वर को भी भेज दिया। जब माता सती अपने पिता के घर में आई तो सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें गले लगाया। सभी बहनों और स्वयं उनके पिता ने इन्हें अनादर से देखा। इस पर भी माता सती चुप रही, किंतु जब यज्ञशाला में आकर देखा कि सभी देवताओं के लिए उचित स्थान यज्ञशाला में बनाए गए थे, किंतु भोलेनाथ और माता सती के लिए कोई स्थान नहीं था। अपने पिता से जब माता सती ने पूछा तो भोलेनाथ के लिए इनके पिता ने भी अपमानजनक वाक्यों का प्रयोग किया। इतना सुनकर माता सती का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने स्वयं यज्ञों के स्वामी भोलेनाथ का अपमान किया है, आपका ये यज्ञ कदापि संपूर्ण नहीं होगा। इतना कहकर माता ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। भोलेनाथ के क्रोध की फिर तो भड़क गई ज्वाला, क्रोधित होकर पहुंच गए हैं भोले यज्ञशाला। अपने एक जटा से उन्होंने वीरभद्र को बना, के शीश को ही जिसने है काट गिराया, और यज्ञशाला का भी उन्होंने विध्वंस कर दिया। क्रोध शांत पर भोलेनाथ का अब तक नहीं हुआ, जलती हुई सती को लेकर लगे है तांडव करने। तीन लोक में मच गई त्राही, देवी देव लगे डरने। विष्णु जी क्रोध शांत करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। भक्तजनों, माता सती की जलती हुई काया को लेकर जब भोलेनाथ तांडव करने लगे तो तीनों ही लोकों में त्राही त्राही मच गई। इतना देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से विनती की कि भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय कीजिए। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से माता सती के अंगों को इधर उधर बिखरा दिया और कहने लगे, हे भोलेनाथ, दक्ष प्रजापति को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप है, अतः इन्हें क्षमा करें। विष्णु जी के कहने पर ही उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवन दान देते हुए उन्हें यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय और मैना के घर हुआ। जब इनके पिता ने इन्हें विवाह के लिए मुनि नारद के सुझाव पर विष्णु जी को चुना तो ये अपनी सखियों की सहायता से गुप्त रूप से एक वन में आ गईं और भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गईं, क्योंकि माता ने तो भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, विष्णु जी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः माता अपने पिता को बिना बताए ही वन में आकर घोर तपस्या में लीन हो गईं। सूखे
पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तों, माता पार्वती की कठिन तपस्या देखकर अंत में भोलेनाथ को मानना ही पड़ा। इधर मुनि नारद ने भी इनके पिता को बताया कि माता पार्वती भोलेनाथ के सिवा किसी और को अपना वर नहीं चुनेंगी, और इसके लिए वो वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगी, और उन्होंने अपनी तप साधना से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। इनके पिता भी मान गए और आदर सहित अपनी पुत्री को घर ले आए। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ से इनका विवाह भी रचाया। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ को मनाने के लिए माता ने जो घोर तपस्या की थी, इसी कारण इनका नाम तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी हुआ। और माता पार्वती के इसी रूप की पूजा दूसरे नवरात्रे में करते हैं। जिस प्रकार माता ने अपने तप और त्याग से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, माता के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को तप और त्याग करने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं माता की एक और दंत कथा। बड़े प्राचीन समय की है भक्तों ये भी कथा। देवदत्त नामक एक ब्राह्मण किसी नगर में था। पूजा पाठ करने वाला और बड़ा ही धर्म परायण, शिव और शक्ति दोनों के ही नाम का करता सिमरन। कलवती नामक पत्नी उसकी पतिव्रता नारी, सेवा में तत्पर रहती थी सदा ही आज्ञाकारी। सुमन नाम का एक पुत्र है उनको प्राप्त हुआ। वंश बढ़ा तो ब्राह्मण के घर छा गई है खुशियाँ। पति पत्नी भक्ति पर ही चलते फिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, समय के साथ ही सुवर्ण बड़ा हुआ तो देवदत्त ने उसे एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। कुछ वर्षों पश्चात सुवर्ण ने अपनी शिक्षा भी पूर्ण कर ली और वो वापस आकर माता पिता के पास नगर में लौट आया। अब अपने माता पिता के समान उसने भी पूजा पाठ में रुचि लेना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के पश्चात एक योग्य ब्राह्मण कन्या देखकर देवदत्त ने सुवर्ण का विवाह भी कर दिया। शिला नामक ब्राह्मण कन्या पत्नी बनकर आई। सुंदर पत्नी को पाकर वो हुआ प्रसन्न बड़ा ही। प्रेम बड़ा ही अपनी पत्नी से वो करता है। सुबह शाम पर माता का वो नाम सिमरता है, क्योंकि बचपन से ही मन में थी भक्ति की भावना। शीला की थी और ही मनोकामना, सोचती थी कि मेरा पति हर समय रहे मेरे पास। पूजा और पाठ में उसका कम ही था विश्वास। सुमन के माता पिता बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
भक्तजनों, सुवर्ण की पत्नी सुशीला बड़ी ही सुंदर थी, किंतु सुवर्ण और उसके माता पिता के जैसे वो पूजा पाठ करने में कम ही विश्वास रखती थी। सुवर्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, अतः पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि हमारा नित्य प्रति का कर्म है। तो वो अपने पति को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर कहती, ठीक है स्वामी, किंतु हमें अपने गृहस्थ जीवन को भी तो चलाना है। क्योंकि सुवर्ण अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, पत्नी की बातें उसे उचित ही लगती। धीरे धीरे पति पत्नी का प्रेम बढ़ता गया और कुछ दिनों में वो अपने पत्नी प्रेम में इतना मग्न हुआ कि पूजा पाठ से उसका ध्यान भंग होने लगा। पत्नी प्रेम में सुवर्ण का जब ध्यान भटकने लगा तो उसके पिता देवदत्त को ज्ञात हो गया कि सुवर्ण पत्नी प्रेम में मोहित होकर अपने पथ से भटक रहा है। तो देवदत्त अपने पुत्र को समझाने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने सोचा, क्यों न पुत्र से इस बारे में पूछा जाए। एक दिन देवदत्त ने इस बारे में अपने पुत्र को पूछ ही लिया, हे पुत्र, क्या तुम अपनी पत्नी प्रेम में पथ भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हो। सुवर्ण को उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे, उसने अपने पिता से कुछ न छुपाया और सब सच बता दिया। अपने पिता को सुवर्ण ने सब सच ही बता दिया, बोला पत्नी प्रेम में मैं भक्ति से विमुख हुआ, कहती है वो अभी हमारा गृहस्थ आश्रम है, पूजा पाठ के लिए पड़ा सारा ही जीवन है, पूजा पाठ में इसीलिए का उपाय क्या। आपको मुझसे अधिक पिताश्री धर्म कर्म का ज्ञान, पत्नी प्रेम के कारण मुझ में उपज रहा ज्ञान। फिर तो देवदत्त अपने पुत्र को उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, देवदत्त ने अपने पुत्र को समझाया, हे पुत्र, जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम में पति धर्म निभाना आवश्यक है, उसी प्रकार भक्ति करना भी आवश्यक है। प्रिय भक्तों, उस समय पावन नवरात्रों की बेला आरंभ हो चुकी थी और अगले दिन ही दूसरा नवरात्रा था। देवदत्त ने कहा कि तुम कल पूजा में अपनी पत्नी सहित बैठना। भक्तों, अगले दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु सहित विधि विधान से पूजा पाठ किया और माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई और कहा, हे पुत्र, माता ब्रह्मचारिणी का संयम, तप और त्याग देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनकर सुवर्ण और उसकी पत्नी के ज्ञान चक्षु खुल गए और सुवर्ण और उसकी पत्नी ने माता से क्षमा याचना की और वो दोनों भी माता की भक्ति में लीन हो गए। ब्रह्मचारिणी माता की कथा जो पिता ने सुनाई, सुवर्ण और उसकी पत्नी ने सद्बुद्धि है पाई। इतना जानकर पिता देवदत्त प्रसन्न हो गए हैं, सारे व्रत नवरात्रों के फिर उन सब ने किए हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हे भक्तों, ये है कथा, सद्बुद्धि मिलती है इसको जो भी है सुनता। हंसराज रिलहन भी माँ के चरणों में करता नमन, चेतन शुक्लन श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन, फौज सुरेश भी माता की
कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता, हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। Thank you.
नवरात्रों का आज है भक्तों दूसरा दिन, नवरात्रों का आज है भक्तों दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी रूप का करेंगे सब वंदन, ओ भक्तों करेंगे सब वंदन। नव दुर्गा का दूजा रूप तो ब्रह्मचारिणी है, नव दुर्गा का दूजा रूप तो ब्रह्मचारिणी है। अपने भक्तों को भव से पार तारिणी है, माँ भव से पार ब्रह्म तार्थ तपस्या।
क्योंकि ध्यान से ही माता ने शिव को मनाया है, क्योंकि ध्यान से ही माता ने शिव को मनाया है। रूप में वर के भोले को तब ही पिछले जन्म में पिता उनके राजा प्रजापति, पिछले जन्म में पिता उनके राजा दक्ष प्रजापति, महायज्ञ में दक्ष ने किया शिव का अपमान, महायज्ञ में दक्ष ने किया शिव का
हुई सयानी जब कन्या पिता हिमालय चाहे, हुई सयानी जब कन्या पिता हिमालय चाहे, कोई योग्य वर देखने का किया विवाह जाए, पुत्री का विवाह किया कठिन तपस्या करनी होगी किंतु इसके लिए, कठिन तपस्या करनी होगी किंतु इसके लिए, कैसे मानेंगे शिव शंकर मुनि सब बता दे, नारद मुनि सब कुछ बता पिता से आज्ञा लेकर गौरावन में आई, माता पिता से आज्ञा लेकर गौरावन में आई, बैठ नीचे खुले अंबर के करने तपस्या लगी, रे गौरा करने तपस्या एक शिला पर बैठ गई माँ, शिव का ध्यान लगाया, एक शिला पर बैठ गई माँ, शिव का ध्यान लगाया, अन्न का सेवन छोड़ दिया, कंद मूल फल खाया, माँ ने कंद अपने यूं ही बिताए, एक हजार वर्ष माने अपने यूं ही बिताए, शिव के ध्यान में बैठी है, कंद मूल ही खाए, माता ने कंद मूल ही खाए। लेकिन शिव के मानने के दिखे नहीं आसार, लेकिन शिव के मानने के दिखे नहीं आसार, कंदमूल भी त्यागने का मन में किया विचार, माता ने मन में चार।
से नहीं हुए, भोलेनाथ अब भी प्रसन्न उनसे नहीं हुए। सूखे पत्ते भी खाने फिर तो माने छोड़ दिए, ओ भक्तों पत्ते भी छोड़। वायु को पी कर माता करती कठिन तपस्या, वायु को पी कर माता करती कठिन तपस्या। ऐसा कठिन तो ऋषि मुनियों ने नहीं कभी किया, जैसा कठिन तपस्या की 14,000 वर्ष तक माने कठिन तपस्या की। मुनि नारद फिर माता की लेने आए सुधी, है मुनिवर लेने आए सुधी। कहते हैं ऐसी कठिन तपस्या कोई न कर पाएगा, कहते हैं ऐसी कठिन तपस्या कोई न कर पाएगा। तप ये आपका व्यर्थ नहीं कभी जाएगा, हे माता व्यर्थ न जा। कठिन तपस्या करके माने शिव को मनाया है, कठिन तपस्या करके माने शिव को मनाया है। वर के रूप में माता ने फिर उन्हें पाया है कि शिव को फिर से
किया आचरण, 14,000 वर्ष तक किंतु तप का किया है आचरण। नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी माता का इस कारण, भक्तों माता का इस कारण। नव दुर्गा कृपा माँ हो जाए।
भक्तों
ऋषि मुनि ने उबारा, धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रह्लाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जिहि अगभार महि अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम
जगदम्बा भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।